अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अट्रैक्टिव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इस तरह की वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, बहुत ही आसान कर सकते हैं आप, कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। ये देखें फ्रेंड्स, किस तरह फ्लावर जो है वो ग्लो कर रहे हैं और नाम भी जो है वो अमेजिंग इफ़ेक्ट दे रहे हैं। अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर काइन मास्टर के साथ ये वाली वीडियो एडिटिंग करना चाह रहे हो, तो आपने ये वीडियो जो है वो पूरी वॉच करनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ये आप कैसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप हैं, आप बहुत ही आसानी के साथ सीख जाओगे। सबसे पहले आपने काइन मास्टर जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आप कहाँ से डाउनलोड करोगे, इससे रिलेटेड मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है, आप जाके दे सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो ले लेता हूँ 16:9 का, ओके कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हम कोई भी जो है वो ले लेंगे बैकग्राउंड, ठीक है, और उसको लेंथ दे देंगे, जितनी आपने वीडियो लंबी बनानी है आप उसे उतनी लेंथ दे सकते हो, ठीक है। हमारा जो बैकग्राउंड है वो सेट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना है, चाहे आप जो सभी टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हो आप ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर फिलहाल आपको दिखाने के लिए एक दो टेक्स्ट जो है वो ऐड करूँगा, ठीक है। बाकी आप समझ जाएंगे कि कैसे बनती है और कैसे बनाना पड़ेगा इसे, ठीक है। सॉरी, अब आपने इसको देख लेना है, यहाँ पे आके आपने थोड़ा सा ऐसे कोई भी इमोजी जो है आपने दे देनी है। मैं यहाँ से ऐसे ये वाली इमोजी दे देता हूँ, ठीक है। अब फॉन्ट पे आ जाना है, यहाँ से आपने कोई भी फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं ये वाला फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, और देखें अब आ गया। अब इसने क्या करना है, आपने इसे लेंथ दे देनी है, इस तरह लेंथ दे दें इस तरह, ठीक है। जितनी लंबी आप इसे लेंथ देना चाहते हैं आप दे सकते हो, ये देखो, ठीक है। अब आपने इसे एनिमेशन देनी है, आप इसे इन एनिमेशन पे आके पॉप वाली एनिमेशन दे दें और इसे 2.5 पर कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने दूसरा जो अपना टेक्स्ट है इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इस जगह पे। अब हम अपना दूसरा जो टेक्स्ट है वो लिखते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे जो दूसरा टेक्स्ट है वो लिख लेता हूँ, ठीक है। अब आपने इसे फॉन्ट दे देना है, मैं इसे यहाँ से ये वाला फॉन्ट जो है वो दे देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसे। यहाँ पे आप कोई भी इसे इमोजी जो है वो दे सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। मैं उसे यहाँ से इमोजी दे देता हूँ ये वाले, ठीक है। अब ये देखें, थोड़ा सा नीचे कर दें, इसको लेंथ दे दें, ठीक है, जितनी आप लेंथ देना चाह रहे हो। अब आपने क्या करना है, इसको एनिमेशन देनी है, ठीक है। वही वाली एनिमेशन दे आप जो आप पहले आपने पहले टेक्स्ट को दी है उस उतने ही टाइम की, ठीक है। ये देखें जी, अब आपने करना क्या है, लेयर में आ जाना है और हैंड राइटिंग पर आ जाना है। यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे आ जाएं तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, चौथे नंबर वाला, ओके कर देना है। अब आपने करना क्या है, यहाँ से आपने कोई चीज़ ड्रा करनी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, हैंड राइटिंग पर आ जाएँ और ये सिलेक्ट कर लें ये वाला, उसके बाद इससे इस तरह ड्रा कर देना है, ठीक है। देखो, अपने फिंगर के साथ इस तरह ड्रा कर सकते हैं, फिंगर के साथ बिल्कुल इस तरह, ठीक है। ये हमने ड्रा कर लिया, अब आपने इसे लेंथ दे देनी है, ठीक है, जितनी आप इसे लेंथ देना चाह रहे हो। मैं इसे इतनी लेंथ देना चाह रहा हूँ, दे दी ये लेंथ, इसको मैं जो है वो रिमूव कर देता हूँ। अब देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। अब आपने करना क्या है फ्रेंड्स, जो अमेजिंग चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है, आपने करना क्या है, आपने लेयर पर आ जाना है, ठीक है, मीडियम में आ जाना है, और एक पिक्चर जो है वो डाउनलोड कर लेनी, इसमें डिफरेंट कलर हों, या आपको गूगल से बहुत आसानी के साथ मिल जाएगी, ठीक है। आपने उसे डाउनलोड कर लेना है, उसे यहाँ पे फुल जूम करके इसे लेंथ दे देनी है, जितनी आपने वीडियो बनाई है। लेंथ देने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है साइड पे, यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लेंडिंग का, आपने इसे करके आपने मल्टीपल कर लेना है, ठीक है। मल्टीपल करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। अब आपने इसे करना क्या है फ्रेंड, आपने इसे ओवरऑल एनिमेशन देनी है, ओवरऑल एनिमेशन। यहाँ पर एक ऑप्शन होगा काउंटर क्लॉक वाइज, ये देखें, अब आप इसे कर लेना है। आप इसे प्ले करेंगे तो देखें किस तरह फ्लावर ग्लो कर रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग किस्म की हमारी ये वीडियो है वो बन चुकी है। आप इसे एक्सपोर्ट कर लें, ठीक है, फुल HD पे करके एक्सपोर्ट कर दें। जैसे ये फुल HD पे एक्सपोर्ट होगी तो हमारे सामने जो है वो वीडियो जो है बन के आ जाएगी, आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी आपकी वीडियो। तो फ्रेंड, इस तरह बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए जो वीडियो एडिटिंग की है, जो टेक्स्ट लिखे हैं, आप यहाँ पे कोई भी अपने इशार लिख सकते हैं या जोन सा भी आप चाहें। यहाँ पे कंटेंट लिखने के बाद उसे इस तरह की एनिमेशन दे दें और इस तरह का कलरफुल उसे बना दें इमोजी के लगाने के साथ साथ। आप कोई भी वर्क यहाँ पे कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, सिंपल है, ठीक है। अब देखें हमारी वीडियो जो बन चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ, हम इसे MX Player पे प्ले करेंगे और ये देखें कितनी खूबसूरत बन चुकी है हमारी वीडियो, ठीक है फ्रेंड्स। ये थी हमारी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें,
ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।